तो दोस्तों जेम पोर्टल पर एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम यहाँ ऑर्डर कैंसिल की बात करने वाले हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि जब हम किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं और ऑर्डर करने के 2-3 बाद 4 दिन बाद हमें कोई रीज़न मिलता है कि हमें प्रोडक्ट नहीं लेना है, ऑर्डर कैंसिल करना है। तो होता क्या दोस्तों कि शुरुआत के 2-3 दिन तो आपको कैंसिल का ऑप्शन मिल जाता है आसानी से, लेकिन जैसे ही सेलर उस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देता है अपने पास से, तो डिस्पैच होने के बाद जो कैंसिल का ऑप्शन होता है, वो कैंसिल की जो बटन होती है वो आपको नहीं मिलती है। आप हर जगह ढूंढते हैं पोर्टल पे, आपको जो है कैंसिल की बटन नहीं मिलती है। तो उस केस में क्या होता है कि ऑर्डर को अगर आप कैंसिल करना चाहें किसी भी रीज़न की वजह से, रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो आपका बजट का इशू हो सकता है, या ऑर्डर गलती से कर दिया, या प्रोडक्ट जो है वो आपके मुताबिक नहीं है, बाद में आपको समझ में आता है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमें लगता है कि ऑर्डर को कैंसिल कर देना चाहिए, हमें रिसीव नहीं करना है। और जब आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं, जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट में आपको जो है प्रोसेस की बटन तो मिल जाती है, बिल प्रोसेस करने की बटन मिलती है, लेकिन कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि सेलर प्रोडक्ट भेज देगा, वो आपके पास तक आ भी जाएगा डिस्पैच होके, अब आपको चाहिए नहीं, तो आप उस केस में क्या करते हैं, उसको वापस भेजेंगे। वहाँ पे दिक्कत आती है कि सेलर की तरफ से ये होता है कि हमने तो डिस्पैच कर दिया, अब आपको लेना पड़ेगा, या वो डिस्पैच कर दिया है, उसको आप खुद उसको वापस भेजिए, थ्रू जो है पोस्ट आपको वापस भेजना पड़ता है खुद उस चीज़ को। तो उन सब दिक्कतों से बचने के लिए हम चाहते हैं कि ऑर्डर जो है हमारा कैंसिल हो जाए, और जो डिस्पैच हुआ है वो सामान हम तक ना आए, या डिस्पैच के बाद भी, या वो प्रोडक्ट हमें रिसीव ना हो। तो उस केस में क्या करते हैं कि मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि कैंसिल करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, लेकिन कैंसिल करने का तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब आप पोर्टल में जाएंगे तो आपको अपने ऑल कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, जहाँ पे आपके ऑर्डर की डिटेल होती है। तो जब आप ऑर्डर की डिटेल में जाएंगे तो देखिए, आपको सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको ऑल कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सब सारी डिटेल जो होती है ऑर्डर की आपके यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे आप देखिए 1640 अमाउंट का एक प्रोडक्ट है जिससे कैंसिल करना है। यहाँ पे आप कहीं भी कैंसिल बटन नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा मैं अंदर जा कर के आपको दिखाऊंगा कि कैंसिल बटन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम इंसिडेंट में जाएंगे और इंसिडेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ आप यहां देखेंगे कि कहीं पे भी आपको कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये मैंने इंसिडेंट दिखाया आपको कि इंसिडेंट में आप किसी भी ऑप्शन में जाएंगे, आपको यहां पे कैंसिल का बटन नहीं मिलता है। चलिए फिर वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं, फिर ऑल कॉन्टैक्ट में जाते हैं, वापस उसी ऑर्डर पे चलते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको सबसे ऊपर जो है प्रोसेस ऑर्डर मिलता है, यहीं पे इसी जगह पे आपको कैंसिल की बटन मिल जाती है। डिस्पैच करने से पहले जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके 1-2 दिन तक आपको यहाँ पे कैंसिल बटन मिल जाती है, लेकिन जब सेलर डिस्पैच कर देता है प्रोडक्ट को और अपनी तरफ से ये रिपोर्ट दे देता है कि मैंने सामान भेज दिया, तो ये कैंसिल की बटन यहाँ से हट जाती है। अब यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे 2 बटन आपको मिल रही है रिक्वेस्ट की, जो कि डिलीवरी पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट होती है, वो हमें चाहिए नहीं, हमें कैंसिल करना है, कैंसिल के बटन नहीं है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नीचे मिल रहे हैं। व्यू शिपमेंट में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको इनवॉइस तो मिलेगा लेकिन कैंसिल का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन फाइनेंशियल सेंक्शन और कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी कैंसिल का ऑप्शन नहीं है। तो वापस हम फिर से अपने ऑर्डर में और कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैंसिल करने का जो है सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपको प्रोसेस ऑर्डर में ही जाना है, जहाँ पे आपको बिलिंग प्रोसेस करते हैं, आपको यहाँ पे जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे जो है प्रोसेस CRAC लिखा होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो
तो दोस्तों याद रहे कि ये सामान अब तक अभी के आपके पास रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव होने के बाद भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको सेलर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो अपना सामान खुद मंगवा ले, या फिर आपको उसका सामान वापस रिटर्न करना होगा थ्रू पोस्ट या बाय हैंड। तो यहाँ पे आप जब प्रोसेस CRAC पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की डिटेल भरनी होगी, आपने किस डेट में रिसीव किया। जैसे आप बिलिंग प्रोसेस करते हैं, दोस्तों बिलिंग प्रोसेस की मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जहाँ पे आप उसको भी जा करके देख सकते हैं कि बिलिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट क्वांटिटी एक है, एक ही मैंने ऑर्डर किया था। तो अभी यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको जीरो डाल देना है, यानी कि जो क्वांटिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो जीरो है, आपने कोई भी क्वांटिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस ऑर्डर में। यहाँ पे आपको जीरो डालेंगे, जैसे ही आप जीरो डालेंगे तो यहाँ रीज़न फॉर रिजेक्टेड कंडीशनल एक्सेप्टेड आइटम, तो यहाँ पे आपको रीज़न देना होगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना रीज़न दे सकते हैं कि ऑर्डर्ड बाय मिस्टेक, या आपका जो भी रीज़न है वो रीज़न यहाँ पे लिख दीजिए, सेलर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी रिजेक्ट में आप देखिए जीरो है, तो यहाँ पे मुझे एक दिखाना पड़ेगा, मतलब एक सामान मैंने ऑर्डर किया था तो एक्सेप्ट में जीरो और क्वांटिटी रिजेक्ट में एक दिखाना पड़ेगा मुझे। तो देखिए इस तरह से आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। इस केस में क्या होगा कि सेलर समझ जाएगा कि आपको यह सामान नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट क्वांटिटी जीरो दिखा दी आपने। अब जो आपका CRAC जो बिल जनरेट होगा वो जीरो अमाउंट का जनरेट होगा, क्योंकि आपने कुछ रिसीव ही नहीं किया है, तो वो जो बिल होगा वो जीरो अमाउंट का होगा। यानी कि इस केस में आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल ऑर्डर माना जाएगा, आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है इस तरह से। तो बस इसको OTP से वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप OTP से वेरीफाई करेंगे, ये ऑर्डर जो CRAC जनरेट होगा वो जीरो अमाउंट का जनरेट होगा और आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल माना जाएगा।